गाइस, मैं हूं कौशी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिमफेरी। उम्मीद है आप सब कुशल होंगे। तो सो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरे ब्लॉग को एंड तक जरूर देखें, बीच में बिल्कुल स्किप न करें। तो सो गाइस, क्या आपने कभी पहाड़ों में जल चक्की देखी है और वो किस तरीके से आटे को पीसती है, देखा है? आज आप इस ब्लॉग के माध्यम से पूरा जान जाओगे कि पहाड़ों की चक्की कैसे होती है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है और साथ में जो है उसमें आटा कैसे पीसा जाता है। उस पूरी प्रोसेस को आप इस ब्लॉग के माध्यम से देखोगे। तो सो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना कुछ देर करते हुए चलते हैं जल चक्की की ओर। तो चलिए मेरे साथ। ये जो रास्ता है ये जा रहा है जल चक्की की ओर, ठीक है? गांव में है ये। और ये जो है गांव से मतलब 2 किलोमीटर की दूरी पर है फ्रेंड्स, ठीक है? और अभी मैं जो है ब्लॉगिंग के लिए सारा काम निपटा के आ गई हूँ। अभी कुछ है काम घर में, अभी और है, गाय को घास देना है, पानी देना, उतने में आ जाएंगे वहां से। तो फ्रेंड्स चलिए मेरे साथ। जाता है जल चक्की की ओर। और ये मेरे साथ मेरी मौसी की लड़की है जो मेरी हेल्प कर रही है शूट करने में, ठीक है? हेलो। तो सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंचने वाले हैं। तो सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है लकड़ी का। और देवदार के बीच में लकड़ियां और साथ में पत्थर की चिनाई की गई है और ऊपर चादर की छत लगाई है। और ये जो लकड़ी है फ्रेंड्स, ये कायल की है, इसमें लगाई हुई जो बहुत टिकाऊ होती है। और फ्रेंड्स, ये इसका फ्रंट का एरिया है जहाँ से अंदर को एंट्री होती है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये डोर है और यहाँ से एंट्री होती है। और ये जो है इसका दूसरा हिस्सा है, यहाँ से आप देख सकते हो ये वाला, यहाँ से ये इसका और हिस्सा है। और यहाँ पे फिर ये इस तरीके से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे जो है पत्थर की चिनाई की हुई है साइड में डाउन को, और बीच में फिर इसको गैप दिया गया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं फिर ये पानी नीचे को जा रहा है। तो सो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है ग्राड का कंस्ट्रक्शन किया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए सबसे पहले ये जो है लकड़ी का एक फट्टे के द्वारा से एक वो कुप्पी टाइप बनाई हुई है, ठीक है? इसको आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? और जो है यहीं से जो है अनाज डाला जाता है। यहाँ से दिखाओ इनको फ्रेंड, देखिए यहाँ पर इस तरीके से अनाज जो है डाला हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरा भरा हुआ है ये टोटली, ठीक है? इसमें आप गेहूं, मक्की, विभिन्न प्रकार की कणकों को जो है पीस सकते हैं इजीली, ठीक है? और जो ये गेहूं है ये यहाँ से सीधा इसमें आता है।
तो सो फ्रेंड्स, अब जो जो मैं बताऊंगी वो शूट करना है तो ना, ठीक है? वो बतानी चीजें थोड़ी पीछे जा, मेरे को भी लेना, ठीक है? अच्छे से बैठ जा नीचे उसमें बैठ। तो सो फ्रेंड्स, ये जो लकड़ी किस तरीके की बनी है फ्रेंड्स, ये जो आपको पतली दिख रही है ना यहाँ पे, ये वाली चीज जो दिख रही है ना गाइस आपको, इसको जो है इस तरीके से टाइट किया जाता है ताकि यहाँ से जो है फ्रेंड्स, ये जो अनाज गिर रहा है वो मतलब स्लो प्रोसेस में आए, सीक्वेंस में आए, ताकि आगे पीछे एकदम ना आ जाए, नहीं तो ये जो घराट का जो ये पोर्शन है ये पूरा बैठ जाएगा, फिर ये पीसना ऑफ कर देगा। और फ्रेंड यहाँ से जो ये आगे का पोर्शन है इस तरीके से, ठीक है, और बीच में थोड़ा सा स्पेस अनाज के लिए रखा हुआ है, और ये भी लकड़ी का ही बना हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो है ये पूरा पत्थर का है, नेचुरल पत्थर का है, ये पूरी चट्टान जैसी, ठीक है, जो इसमें घूमती रहती है वो मैंने आपको बताया, लकड़ी का जो निचला हिस्सा है फ्रेंड्स उससे ये घूमता है, और ये वाला जो है ये आधा जो है पत्थर का है, और बाहर से ये जो है मिट्टी और गोबर से इसकी लपाई की हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये वाला जो पोर्शन है ना फ्रेंड्स, इसको हम अपनी लैंग्वेज में घोरटू बोलते हैं। इस ये क्या काम करता है फ्रेंड्स, जब भी हमारा, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, जब भी हमारा घराट जो है मतलब ये वाला चलना ऑफ हो जाए किसी कारण, चले ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको डाल करके ऐसे ऊपर को मतलब फोर्स करके इसको किया जाता है, जिसके कारण ये जो है फास्ट तरीके से चल पड़ता है। इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है गाइस, ठीक है, वो क्या है, ये वाला जो है इस वाले का बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इसको स्टॉप कर दूं तो ये रुक जाएगा फ्रेंड्स। ये लकड़ी का बना हुआ है, फेडो बोलते हैं इसको, ठीक है, हम अपनी भाषा में। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे इसके साथ ये वाइब्रेट हो जाता है, और यहाँ पे जो है वाइब्रेशन होते हैं, और यहीं से दाने गिरना स्टार्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ही यहाँ से वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है इसके साथ, वैसे यहाँ पर दाने गिरना शुरू हो जाते हैं, आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ, और यहाँ पे जो है आटा गिरना स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे गिर रहा है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर कैसे गिर रहा है। जो ये आटा गिर रहा है ये सीधा यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे जो आटा है वो सीधा यहाँ से नीचे गिर रहा है, देखिए। देखिए यहाँ पे ये पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ से पुल बनाई गई है, आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट होती है पुल, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए ये पुल है इस तरीके से बनाई हुई, लगभग ये 2 मीटर लंबी है फ्रेंड, देखिए किस ढंग से इसका निर्माण किया गया है, और साइड में पत्थर लगाए हैं। देखिए फ्रेंड्स ऊपर से ये कुल कैसी है तैयार की हुई, फिर यहाँ पर 2 मीटर की दूरी पर फिर
यहाँ से जो है लकड़ी की कुल तैयार की हुई है। देखिए आप देख सकते हैं लकड़ी की कुल, मतलब यहाँ से जो है सारा पानी फोर्स में डाला गया है जल चक्की की ओर, ताकि अंदर जो है आटा अच्छे ढंग से पीसा जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो है पूरा ऑफ हो जाता है, नीचे घाट में चला जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको ये एक चीज दिख रही है, ये वाली तख्ती जैसी, ये जो है जब हमने घाट ऑफ करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तब इसको इस तरीके से लगाया जाता है फ्रेंड्स। देख, और जब हमने घाट अंदर ऑन करना है ताकि आटा पीसा जाए, तब इसको ऐसे निकाल दिया जाता है। बहुत सारे लोग जो है एल्क्रो के बारे में नहीं जानते हैं। एल्क्रो जो है यूट्यूब पर एक चैनल है, ठीक है, जिन्होंने सभी यूट्यूबर के लिए 10 दिन पर 10 वीडियो बनाने का चैलेंज दिया गया है। मैंने भी जो ये चैलेंज है पिछले कल से एक्सेप्ट कर लिया, और आज मेरा जो है इस चैलेंज के लिए सेकेंड वीडियो है। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने आपको इस ब्लॉग से माध्यम से बताया कि कैसे जो है पहाड़ों में जल चक्की बनाई जाती है, और कैसे उसमें आटा पीसा जाता है, और कैसे हम उस आटे को कलेक्ट करके इजीली सुरक्षित घर को ले जा सकते हैं, वो मैंने आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बताया। आपको पता है गाइस, कुछ एक को पता होगा कि पहाड़ों में जब एक टाइम बिजली भी नहीं होती थी, तो उस समय जो है पूर्वज इतने मेहनती थे कि उन्होंने जो है जल के माध्यम से ही जल चक्की का निर्माण कर लिया, जो मैंने आपको आज इस ब्लॉग के माध्यम से बताया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, जहाँ पहाड़ों में बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में जल पाया जाता है फ्रेंड्स, आज भी जो है जल चक्की बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग की जाती है। तो फ्रेंड्स आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस ब्लॉग के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा। मैंने बहुत ज़्यादा अपना कीमती समय निकाल के मैंने ये ब्लॉग बनाया, और मुझे बहुत मेहनत इस ब्लॉग में करनी भी लगी फ्रेंड्स। तो आप सबसे यही कहना है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जो भी कमी है वो बताइए। मिलूंगी मैं आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं जा रही हूँ अब घर, ठीक है, और बाय बोलने से पहले आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके एरिया में भी जल चक्की का प्रयोग किया जाता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा किया जाता है, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक ही जल चक्की बताई फ्रेंड्स, जो यहाँ नीचे हैं, ठीक है, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक ही जल चक्की बताई, लेकिन इसके अलावा चार जल चक्की है जो इस पहाड़ के पल्ली तरफ बनाई गई है। ये वाली जो जल चक्की है ये अभी इसी मंथ बनाई गई है मेरे दादाजी के द्वारा, मेरे दादा ने ही खुद बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो चार जल चक्की बहुत ही पुरानी है, वो आज से लगभग अगर आप आइडिया करोगे तो 25-30 साल पहले की, वो उस तरफ है, और उससे पहले भी और बनी हुई थी पूर्वजों की, वहीं पे बनाई गई थी, ये नई वाली है। तो सो फ्रेंड्स यहीं पे मैं अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।